पे। तो आइए आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल सी ब्राउनी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही सरल है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है कि बच्चे आपसे हर दिन यही डिमांड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये एक कटोरी दूध, ये देखिए इसको डाल देंगे। इसको मैं पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे जब हमें नीड लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ले लिया है मैंने शुगर, पीसी हुई शक्कर, ये डाल देंगे। इसको ना खूब अच्छे से हमने फेंट लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे यहाँ पे मैदा। तो मैंने लिया है एक कप ये मैदा, तो इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल दूंगी मैं ये कोको पाउडर। एक कप कोको पाउडर लिया है और एक कप मैदा लिया है। अब इसमें हम क्या डाल देंगे, थोड़ा सा सिर्फ ये नमक, थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालना है हमने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि मीठे का जो बैलेंस है ना वो बिना नमक डाले नहीं आएगा। तो सिर्फ थोड़ा सा हमने डालना है, ज़्यादा नहीं। कि भर नमक डालने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल दूंगी मैं बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच हमने ले लेना है बेकिंग सोडा। तो ये दोनों डालना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है ये दोनों डालना, वरना केक जो है ना वो आपका अच्छे से फूलेगा नहीं। फिर डाल देंगे हम ये छोटी सी कटोरी से एक कटोरी, मतलब आधी कटोरी के दही। तो दही डाल देंगे इसको अच्छे से, और इसको हम अच्छे से बिल्कुल फेंट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, हम डाल देंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये ना फ्लेवरलेस ऑयल है, तो आप फ्लेवरलेस कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये काफ़ी थिक है, तो इसलिए मैंने ना पूरा दूध नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा के रखा था। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ज़्यादा ढीला हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आपको सारे इंग्रीडियंट्स थोड़े थोड़े और ऐड करने पड़ेंगे, तो वो हमने नहीं चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बन चुका है, ये देखिए। पर ना इसको एक ही सब डायरेक्शन में हमने मिक्स करना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों डायरेक्शन में इसको नहीं मिक्स करिएगा, वरना क्या होगा ना, केक आपके केक या ब्राउनी जो भी आप बना रहे हैं वो फूलेगी नहीं अच्छे से। ठीक है, देखिए ये आप रनिंग इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तवा ले लिया है मैंने, उसको रख दिया है एक स्टैंड, और रख देंगे हम गैस को, कर देंगे ऑन यहाँ पे बीच में। अब इसको अच्छे से पहले हीट हो जाने देंगे। बाद ना जब तक तवा हीट हो रहा है तब तक लिया है मैंने एक पैन, उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसको हम डाल देंगे बैटर को, ये सारा, ये देखिए इसको इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से हम एक बार डैप कर देंगे, ताकि जितने सारे एयर बबल्स हैं ना वो सारे निकल जाए। ये देखिए बस, अब इसको क्या कर देंगे ना, हम रख देंगे इस गैस के ऊपर इसको बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे, यहाँ पे इसको कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो, अभी के लिए बिल्कुल स्लो कर देंगे। और इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल नहीं छुएंगे, उसके बाद हमने देखना है कि ये फूल रहा है क्या हो रहा है। तो हम 20 मिनट के बाद चेक करेंगे इसको, के बाद अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ना, एक नाइफ ले लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये बिल्कुल ये ना प्रोसेस सेंटर में ही कीजिएगा, आजू बाजू में करेंगे ना तो ऑलरेडी ये हमेशा पका ही लगेगा। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ चेक करना हो ना, तो आप सेंटर में कीजिएगा, क्योंकि सेंटर में ही हीट प्रॉपर नहीं मिलती है कभी कभी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ नाइफ आ चुका है, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसको पहले अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाने देते हैं। इसको सिर्फ हार्डली 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी इसकी बहुत कम मैंने बनाई है। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो अप्रॉक्स 40-45 मिनट तो आपको कहीं नहीं गए, उतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये बहुत कम क्वांटिटी था, इसलिए 20 मिनट में बन के ये रेडी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा बहुत क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, ये ना ऑलरेडी सब छूटने लगा है साइड से। ये देखिए इसको ना हमने ज़्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं है, सिर्फ आप पलटेंगे ना। अभी ये गर्म है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये पूरा अच्छे से छोड़ चुका है, ये साइड का पूरा अच्छे से छूट चुका है, सिर्फ नीचे का है। तो वो हम जब पलट के थोड़ा सा टैप करेंगे ना तो पूरा निकल जाएगा। तो पहले अच्छे से इसको ठंडा हो जाने दें। ये देखिए यहाँ पे इसको हल्का सा टैप कर देंगे ना, अब मैं अगर निकालती हूँ ना तो ये देखिए, ये आप कंडीशन देख सकते हैं। ये भी मैं प्रॉपर आपको दिखा देती हूँ। रीज़न ये है कि मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट करती हूँ तो नहीं पॉसिबल हो पाता। तो इसलिए मैं आपको ये कंडीशन भी दिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं लगा है, बिल्कुल क्लीन है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर केक हमारा बन के रेडी है, बिल्कुल जालीदार। ये देखिए और ये इसकी स्पॉन्जीनेस आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है ये देखिए।
तो बस अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बना के इसको मैंने सर्व कर लिया है। ये कितनी स्पॉन्जी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए है ना, और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये देखिए ये परफेक्ट ब्राउनी रेडी है खाने के लिए। अब यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको इसको कैसे असेंबल करना है, कैसे डेकोर करना है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो चलिए आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।